नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है पैट एग्ज़ाम की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। अगर आप पैट 2022 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि एग्ज़ाम आपका है 15-16 अक्टूबर, जैसा कि आप सभी को पता होगा 15-16 अक्टूबर जो आपका जितना भी समय बचा है एग्ज़ाम का, उसमें हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक आपने तैयारी की है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी की है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी आपसे कहे पैट में ये नहीं ये होगा ये आएगा, मैं आपको पहले उस 2021 में मैंने कहा था जब पैट हुआ था कि आपका ये एग्ज़ाम जो है 10th लेवल का है, और उसी समय बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि पेपर इतना कठिन आएगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो ये कर लो। और मैंने उस समय आपसे कहा था एक महीना पहले जब 2021 का पैट हुआ था कि मैंने इतना पेपर 10th लेवल का एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है आपका, इतना जो है एक प्रारंभिक अर्थ परीक्षा के लिए एग्ज़ाम है, इतना कठिन पेपर बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आप एक सही रणनीति के तहत अगर तैयारी करेंगे तो एक महीना आपके लिए बहुत है। ठीक है, 10th लेवल का एग्ज़ाम है और वही हुआ 2021 का आपने पेपर देखा होगा। अगर आप किसी भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत आसान था, उस पेपर में था भी कुछ नहीं। तो अब भी अगर आपने कर ली तैयारी, चल रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी हुई है तो ध्यान रखेंगे अभी तक आप जो है बिल्कुल सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास समय बचा है उसका हम जो सदुपयोग करेंगे, सही सदुपयोग जो है अगर आपने किया तो मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अब भी एक आप जो है एक अच्छा स्कोर जो है कर लेंगे। सिर्फ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है जो भी आपका समय बचा है। जैसे कि हम बात करेंगे, सबसे पहले एक टाइम टेबल ज़रूर बना लें। ठीक है, एक टाइम टेबल बना लें, चाहे आप 4 घंटे का बनाएं चाहे 6 घंटे का बनाएं, लेकिन एक टाइम टेबल आपका ज़रूर होना चाहिए। और लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल अभी से अगर बना लेंगे ना, अभी से अगर 5 से 6 घंटे का टाइम आपने बना लिया तो मैं आपको देख रहा हूँ जब आपका रिजल्ट आएगा ना तब कहेंगे कहाँ सर ने क्या बात कही थी, एग्जाम इतना कठिन नहीं आएगा। लेकिन और सही रणनीति के तहत तैयारी करेंगे ना, देखिए तैयारी करने वाले तो बरसों से तैयारी करते हैं, लेकिन आपको तैयारी अगर आप हमसे जुड़े हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ एक सही रणनीति के तहत सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो। इतनी भी सेलेक्टेड मत करो कि बिल्कुल सेलेक्टेड ही कर दो, 2-4 पेज हम पूरा हैं तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं बहुत सारे स्टूडेंट समझते नहीं किस टॉपिक को पढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा ही डीप पढ़ते ही जा रहे हैं अरे आपको सिर्फ आप कितना पढ़े ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसमें स्कोर क्या किया आपने, क्योंकि बेटा स्कोर पर ही निर्भर है सब कुछ। जो शॉर्ट लिस्ट होगा ना बाद में, जो 2021 के बाद जो शॉर्ट लिस्ट हुए ना, वो स्कोर के आधार पर ही हुआ। आप बहुत पढ़े और आप स्कोर नहीं कर पाए तो फिर वो पढ़ना आपका पैट के एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बेकार है। तो वो ही पढ़िएगा जो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को ज़्यादा मिले। और मैं अपना जो अनुभव है UP SSC एग्जाम का, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, UP SSC ना जो है डीप प्रश्न नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ही रखना है। हाँ, अब बात करें किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो रणनीति हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या रहता है, तो आपको पता होगा कि GK इसमें जो है 50 नंबर की है। कितना है GK इसमें? 50 नंबर की है। तो 50 नंबर GK में आपको टारगेट कहाँ करना है बचे हुए दिन में, ये ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इसमें हिस्ट्री का आपकी 10 नंबर की है। ठीक है, हिस्ट्री इसमें क्या है, इसमें आपकी जो हिस्ट्री है 10 नंबर की। स्टैटिक GK आपकी, जो स्टैटिक GK है ये भी 10 नंबर की है। और करंट अफेयर जो आपकी कितनी है, 10 नंबर की है। करंट अफेयर कितनी है ये भी। अब सीधे सीधे आपको 30 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं, 30 नंबर आपको यहाँ सीधे सीधे यहाँ से मिल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो स्टैटिक GK वाला जो पार्ट है ना, सच बता रहा हूँ, स्टैटिक GK वाला जो पार्ट है आपका ना, इसमें है ही कुछ नहीं। इसमें स्टैटिक GK वाले में कुछ नहीं है, एक लिमिट का सिलेबस है बहुत कम। आपको आराम से यहाँ से तो 9-10 अंक आराम से आ जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। और इसकी जो फ्री क्लास है वो भी मैंने यूट्यूब पर लगातार दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट भी बना दिया तो वहाँ आप देख लेंगे। लगभग 7-8 क्लासें हो गई, और भी 3-4 क्लासें वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप स्टैटिक GK कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी तो वहाँ से आप देख लीजिएगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्टेटिक जीके में कुछ नहीं। अब जो हिस्ट्री आपका, यहाँ सिलेबस थोड़ा ज़रूर बड़ा है, लेकिन सबसे पहले करंट अफेयर में बात करें। देखो करंट अफेयर अगर मैं बताऊँ ना, तो इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं है, और लगभग 8 से 10 महीने की जो करंट है, बेसिक चीज़ें आपको अगर पती है ना, तो निश्चित रूप से आप जो एक अच्छा स्कोर करेंगे करंट अफेयर में। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उन्हें अच्छी तरह से कवर करना है। करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, उनको भी जो करंट अफेयर को किस प्रकार से पढ़े, इस पर मेरी वीडियो काफ़ी लंबे समय पहले बनाई थी, ठीक है। तो स्टेटिक जीके आपका हो गया। हिस्ट्री हम बात करें तो दो पार्टों में उसने बांटी है, 5 नंबर में एंशियंट और मिडिवल है, और आपका आधुनिक भारत है 5 नंबर। तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो आपका आधुनिक भारत पर होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पर, ठीक है। जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे जो 5 अंक जो एंशियंट हिस्ट्री और जो मिडिवल हिस्ट्री भी है, वहाँ भी आपका मिडिवल हिस्ट्री में अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका बेहतर रहेगा। ये आपके मैं एक स्मार्ट तैयारी बता रहा हूँ कि बेटा एक स्मार्ट तैयारी किस तरह से होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाने के लिए तो टीचर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे होंगे इसमें, पेट एग्जाम में IAS की तैयारी, ऐसा लग रहा है IAS की तैयारी करा रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, ठीक है, लेकिन इतना कुछ आता नहीं। 2021 में भी चिल्ला रहे थे बहुत सारे कि ये आएगा वो आएगा ये आएगा वो आएगा, पर आया कुछ नहीं था, बहुत सिंपल आया था पेपर, ठीक है। अगर आप मन से तैयारी करेंगे ना 1 महीने भी, तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्ट्रेटेजी की बता दी। अब इसमें कुछ और विषय हैं, जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे कि पॉलिटी है इसमें, ठीक है, ये 5 अंक की आएगी, और साइंस है वो भी 5 अंक की आएगी, इकोनॉमिक्स ये भी 5 अंक की आएगी, ऐसे ही है, ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बता दूँ ना, जो आपका 5-5 अंक का ये पॉलिटी 5 अंक, ये ज्योग्राफी और आपका, ठीक है, ज्योग्राफी आपकी 5 अंक। तो ये जो ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसको भी थोड़ा देख लेना अच्छे से, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देख लो ना, तब भी आपका बेड़ा पार है इसमें ज़्यादा। और ज्योग्राफी ना थोड़ा सिलेबस बढ़ा है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी ही देखना ज़्यादा, अगर समय नहीं, इंडियन ज्योग्राफी बहुत है, यहीं से प्रश्न मिल जाएगा सीधे सीधे आपको, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिटी में भी कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न सीधा सीधा मिलता है, सीधा सीधा प्रश्न मिलता है आपको, ठीक है। अनुच्छेद हैं, मूल अधिकार हैं, और आपके नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यहीं से सीधे सीधे प्रश्न मिल जाते हैं, राज्यसभा लोकसभा में कौन अध्यक्ष है क्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ था, जो साइंस का सिलेबस है बेटा बड़ा, इसमें देखो फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, बायो आ जाती है, तो इसको ज़्यादा मत पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि उन्हें जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो उसी को पढ़ते रहते हैं, उसी उसे लगता है कि इसे पढ़ लूँगा तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट मत, बिल्कुल भी मत करना, एक इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, और एक इंग्लिश और आपकी एक आएगी 5 नंबर की, तो यहाँ भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इसमें पैसे जाता है 2-3 क्वेश्चन का, वो ठीक है, एक क्वेश्चन जो भी 1-2 क्वेश्चन जो भी इन्होंने सुनाने से आएंगे वो आप थोड़ा बहुत देख लेना, हो जाएगा। लेकिन इसमें ग्रामर वर्क पढ़ना, इंग्लिश की ग्रामर तो बहुत बड़ा सिलेबस है, टाइम वेस्ट है इसमें, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए देखिए, ठीक है, अब हम बात करेंगे मैथ की। देखो मैथ जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका एक अच्छा स्कोर करेगा। जीके में आपका हिस्ट्री, स्टेटिक जीके और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी पॉलिटी को भी देख लेना, ठीक है। मैथ जैसे हम इकोनॉमिक्स की और हम बात करें, इकोनॉमिक्स साइंस, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन बनडे एग्जाम जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी प्रश्न देख लेना। इकोनॉमिक्स ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, जो पंचवर्षीय वगैरह योजना वगैरह है, नीति आयोग, योजना आयोग वगैरह, यहीं से प्रश्न सीधे सीधे मिल जाते हैं, कृषि संबंध कुछ आंकड़े, ठीक है। चलिए मैथ की अगर हम बात करेंगे तो आपका 25 नंबर का आएगा, और 25 नंबर जो 20 अंक है ना आपके, जो आपके पूछे जाएंगे तालिका से और ग्राफ से, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई स्टूडेंट गलत कर रहा है ना क्वेश्चन, तो मान लो बिल्कुल वो जो है निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव कहना मतलब वो जो कंपटीशन से बाहर हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, तालिका वाले क्वेश्चन तो होने ही होने चाहिए, इसके लिए तालिका वाले के लिए मात्र जो है 3-4 टॉपिक अच्छे से पता हो, जोड़ घटाओ आपको अच्छे से आते हो, भाग करना आता हो, उसके साथ औसत निकालना और लाभ हानि परसेंटेज, ये अगर आप चैप्टर आते हो उसमें कुछ भी नहीं होता, सीधे सीधे आपको चीज़ समझनी होती है, करनी होती है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, हिस्ट्री, स्टैटिक्स जीके, करेंट अफेयर और ज्योग्राफी, ठीक है, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बैच लिया है, और अपने ऐप पर जो हमारा बैच चल रहा है जीत बैच, उन पर मैं ही ने कराया है, और बहुत सिलेक्टेड चीज़ें कराएं, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं कराएं, बच्चों भी परेशान ना हो, तो ठीक है। तो ये जो है आप डेमो है, उसमें जा सकते हैं, ऐप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं,
ऐप नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वहाँ से डेमो वगैरह देख लीजिएगा, क्लासेस देख लीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो ज्वाइन कर लेना। और मैंने पीडीएफ नोट हर क्लास का नोट्स दिया है, अगर आप नोट्स ना बना सको ना तो जो नोट्स पीडीएफ है ना वो उन्हें पढ़ लेना, एक बार पढ़ जरूर लेना। और नोट्स भी ऐसे तैयार किया है पीडीएफ वगैरह, आप अच्छे से याद हो जाएंगे, तो पढ़ लेना तो भी आपका जो अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, एक बार जरूर चेक कर लें, देख लें, अगर ना लें तो आप देख जरूर लें किस तरह से क्या क्लासें चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो शुरू से, बिल्कुल शुरू से जो है आपको क्लासें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। एक एक क्लास सभी क्लास शुरुआत से प्राप्त हो जाएंगी, इस तरह की सेटिंग है, ठीक है। तो देखिए ये मैथ में आपको यहाँ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ग्राफ की ताली क्लासें दो क्लासें इसी फ्री डली है यूट्यूब पर शिवराज सर की, वो भी देख लेंगे तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए सर से बात हुई है कि मैराथन वीडियो भी ला सकते हैं सर, ठीक है, उससे भी हो जाएगा शिवराज सर से, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें मैथ का हो गया, इसमें मैथ हिंदी, देखिए हिंदी में है कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करो आप तो कह नहीं सकता, लेकिन हिंदी में आपका दस अंक का गद्यांश आएगा। इसमें गद्यांश के लिए ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके ये देखना है कि किस तरह से प्रश्न रखे जाते हैं, ठीक है। पाँच नंबर का ग्रामर आएगा, ग्रामर आएगा, और ग्रामर में भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे बेसिक से, एक पर्यायवाची बता दो, इसका विलोम बता दो, इसके एक संधि बता दो, मात्र ये प्रश्न ऐसे देखने को मिलते, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। एक बेसिक की कोई भी किताब होगी ना, ह्यूसेंट की हो, आदित्य की, जो भी, उससे आपका हिंदी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसके लिए बुक कौन सी रहेगी, बुक पर तो मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी बुक बता रहा हूँ जीके के लिए, भैया ल्यूसेंट पढ़ लो, सबसे अच्छी है ल्यूसेंट पढ़ लो, जो ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरी वाली हो, उसके साथ एक दृष्टि की भी बुक आती है, तो चाहे आप वो भी ले सकते हैं, इनमें से कोई ले लो, दृष्टि की बुक आती है सभी सब्जेक्ट वाली, जैसे एक ल्यूसेंट आती है उसी प्रकार की आती है, ठीक है, तो वो ले लो, चाहे ल्यूसेंट तो बेस्ट है ही, वहाँ से पढ़ लो। उसके साथ करेंट अफेयर की कोई मैगजीन वगैरह हो तो वो पढ़ लो आप, क्वेश्चन वगैरह हो तो वो लगा लो आप, ठीक है। चलिए मैं क्या बता रहा था, गद्यांश, तो यहाँ पर कुछ है भी नहीं। और रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ऐसे प्रश्न आते हैं, पिछली बार ही आपने देखे होंगे, रीजनिंग में एक तो ए बी सी डी पढ़ लो अच्छे से, क्रम फ्रम लगाना सीख जाओ, उसके साथ एक कैलेंडर सीख लो, ब्लड रेशर ना घड़ी सीख लो, उनसे बेसिक प्रश्न सीधे सीधे मिलते हैं आपके, हैं एक जो लुप्त पद ज्ञात करते हैं ए बी सी डी संख्याओं से, ये चीज़ें आती हैं, इसमें कुछ है भी नहीं, उतना डीप भी नहीं आते, बेसिक आते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे ना तब भी हो जाएगा इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं, शिवराज सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कल क्लास, ठीक है, ये हो जाएगी। इंग्लिश की हम बात करें तो जैसा कि मैं आपको बोल ही चुका हूँ, और तो उसमें कुछ खास आता भी नहीं, ठीक है। ये तो मेरी चीज़ होगी जो आपको बताने की, कि इस तरह से आपको पढ़नी है। और एक चीज़ और मैं पुनः बोल रहा हूँ एक बार, कि आप जो आप देख रहे हैं ना, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रीवियस क्वेश्चन बेटा जरूर लगाना। कहेंगे सर प्रीवियस क्वेश्चन कैसे, प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन कौन से, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो एग्जाम हुए वो कर लेना, और विभिन्न एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, जो भी आपके बुक हो, एसएससी की हो चाहे रेलवे की हो, ठीक है, जो बुक हो प्रीवियस क्वेश्चन वाली, घटना चक्र वगैरह बुक आती हैं, तो उन प्रश्नों को लगा लेना, वहीं से उठा उठा के प्रश्न मिलेंगे आपको, देख लेना, ठीक है। और एक प्रैक्टिस सेट एक जरूर लगा लेना, एक प्रैक्टिस सेट जो भी आपको अच्छा हो, हर समय प्रैक्टिस सेट ही मत लगा लेना, प्रैक्टिस सेट जरूर लगा, दो दिन में एक प्रैक्टिस सेट तो लगा ही लगाओ अभी, ठीक है, दो दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, ठीक है। जो भी आपको ऑफलाइन लगा, चाहे ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, तो जो भी बुक आपको कंपटीशन हो, घटना चक्र, जो भी अच्छी लगे उसका लगा लो, ठीक है, तो वो लगा लो, बस हो जाएगा। और मेन चीज़ है सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एग्जाम टेंथ लेवल का इतना कठिन नहीं आएगा, अभी तक तैयारी करिए तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आज से लग जाओ, मेहनत है आपको करनी होगी। देखो सब चीज़ स्टूडेंट पर ही निर्भर करती है, एक स्टूडेंट जो है वर्षों तैयारी करता है, और एक स्टूडेंट लेके आऊँगा एक वर्ष में जो है एक जॉब लेके चला जाता है। सिर्फ नज़रिया क्या है, उसकी तैयारी करने का तरीका क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप कितना पढ़े और परीक्षा में आप पास हुए, ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपको नौकरी लेने वाले से ज़्यादा नॉलेज हो अगर आपने 4 साल 2 साल अच्छे से तैयारी की है, लेकिन एक जॉब ले गया ना उसकी वैल्यू ज़्यादा है। हो सकता है आपको नॉलेज ज़्यादा हो लेकिन वैल्यू उसकी ज़्यादा, क्योंकि उसने जॉब ले ली। आपका टारगेट सिर्फ होना चाहिए जॉब का लेने का, हमें वैज्ञानिक नहीं बनना बेटा। अगर हम तैयारी करने आए यूपी ट्रिपल एससी में
तो मैं आपका अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो सर किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक टाइम टेबल बना लो निश्चित रूप से 5-6 घंटे का, अभी तो बहुत समय है, अभी तो आराम से हो जाएगा। परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है तो जैसा कि ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ भी एक मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो वहाँ जाकर आप कॉल भी कर लेना शाम को 7 बजे के बाद, ठीक है। 7 बजे के बाद कॉल करेंगे आप, ठीक है। 7 बजे के बाद जो है आप कॉल करेंगे, नंबर आपको जैसे कि ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो बैच चल रहा है ना उस बैच के ऊपर ही स्क्रीन पर ही नंबर दिया है, तो ठीक है, तो वही नंबर दिया है वहाँ से आप कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं, परेशान मत होइएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं किया तो एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टॉपर्स 24, नीचे लिंक दिया है, तो वहाँ जाकर थोड़ी बहुत डेमो वगैरह देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।